ठीक करके चटके और लिया मिक्सी अब कर ले सर्च मार ले प्ले स्टोर पर बीच में तीन बॉलर अनिवार्य है। हंडीगेड़ा की तरफ से बैटिंग करने के लिए आए हैं अनाउंसमेंट कर तारासन लाइव देख लग रहे हैं तारासन देखो इस ओवर में पांच चौके और एक छक्का
सभी बॉलों पर बाउंड्री आई है 26 रन, एक और 26 रन कोई विकेट नहीं, सभी बाउंड्री विक्रम के बैट से काफी बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं विक्रम। ठीक है अब पहली बार सामना करेंगे अमन, बॉलिंग की शुरुआत करेंगे पवन, अपने कोटे का पहला हुआ टीम के लिए दूसरा ओवर पवन खेलेगा, काफी बड़ा बॉल ओवर करिए आपके बॉल की दुकान की दिशा में खेला बहुत खेल मौजूद काफी बढ़िया फील्डिंग एक रन, इस एक रन के साथ सिकोर आगे बढ़ता हुआ 27 रन दूसरे ओवर के चलते हुए, पिछले ओवर में काफी बढ़िया बैटिंग की विक्रम ने जो कि 26 रन बनाए, काफी बढ़िया बैटिंग एक ओवर दूसरा ओवर चलता हुआ स्कोर हो चुका है हांडी खेड़ा का 27 रन। पवन सामना करेंगे विक्रम जिन्होंने पहले ओवर में दिखा दिया था अपना रन, आएगा पीछे चले पवन के बॉल विक्रम के लिए अच्छा ओवर को शुक्र फील्डर मौजूद है वहां पर एक के साथ पहुंचा 28 रन, 28 रन दो सौ के चलते हुए हांडी खेड़ा बिना किसी नुकसान पर गंगा और हांडी खेड़ा का मुकाबला। अमन के बल्ले से और टीम का स्कोर 32 रन पहुंचा दिया हांडे खड़ा, हांडा खेड़ा की टीम में तारा काफी मशहूर क्रिकेटर है, उनके द्वारा ही मैन ऑफ द सीरीज दी जाएगी, बेट दिया जाएगा मैन ऑफ द सीरीज में तारा चंद के द्वारा, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। यह फिर से अच्छी बॉल सीधा विकेट के पे कहा तो मैं कोई गलती नहीं की, फिर से पवन अभी तक पवन के ओवर में चार बॉल में छह ना चुके, अच्छी बॉल निकाल सकते हैं पवन के द्वारा, आज लगा सिलेक्ट क्षेत्र में एक रन मिलेगा, जी हाँ एक रन लिया, रवि जो खेलता है टीम के वो समझाते हुए भाई साहब की आपने कहां गलती की, गलती को गुंजाइश नहीं थी, एक विनोद को छोड़ दिया जाए तो विनोद ने एक सौ का दूर खाया था अपने ओवर में, सबसे इम्पोर्टेंट जो भट्ट ने पहले बॉल पे चौका लगाया था कवर के क्षेत्र वो था सबसे बढ़िया चौका भट्ट के खाते में, रवि ने भी एक छक्का लगाया था बढ़िया, खेला हाल मिडिल के क्षेत्र कोई फील्डर मौजूद नहीं है वहां पर, चार रन स्कोर चार के साथ चौको का यहाँ पे तो निकाल नहीं किया था आपने इसलिए आपके बात नहीं मानती है, स्कोर 37 रन दो ओवरों की समाप्ति पर स्कोर 37 रन पाव के लिए खत्म हो चुका है, पांच फील्डर बाहर रख सकती है टीम, वृंदावन वर्सेस हांडे खेड़ा के बीच मुकाबला चलता हुआ, दो टीमें आज निकलेगी पुल क्लियर में, कौन सी दो टीमें होंगी वो तो हमें आने वाला वक्त बताएगा, कल हम आपको सेमीफाइनल लगभग 9:30 बजे शुरू हो जाएगा, जो भी टीम बचे हो जल्दी आना होगा, पांच फील्डर बाहर रख सकती है टीम, किर्शन अपने कोटे का दूसरा और टीम का ये तीसरा ओवर करने के लिए आ चुके हैं, किर्शन पहला ओवर काफी महंगा रहा था, चार पांच चौके एक छक्का लगाया था, ये अच्छी बॉल एक बॉल थी, एक रन मिलेगा लेफ्ट साइड की तरफ, स्कोर एक के साथ हांडी खेड़ा बिना किसी नुकसान पर 38 रन तीसरे ओवर के चलते हुए, सापरिया के भगत सिंह स्टेडियम में आज ये टूर्नामेंट का तीसरा दिन, पहला इनाम 7500 रुपए, सेकंड इनाम 4400 रुपए प्लस ट्रॉफी, मैन ऑफ द सीरीज बेस्ट बैट दिया जाएगा तारा चंद हंडेखेड़ा की तरफ से, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, पहली डॉट बॉल ये शायद खेली गई है विक्रम के द्वारा, अभी तक ठीक ठाक और बढ़िया और कहेंगे, दो बॉल में केवल एक रन मात्र, किशन के लिए अच्छी बॉलिंग अभी तक किशन के द्वारा, ये बॉल किशन की इस बार फिर से खेला है स्लिप कर सकते हैं लेकिन फिर कितना तीसरी दूसरी डॉट बॉल ये खेली गई है विक्रम के द्वारा,
स्कोर ईशा में रुका हुआ 38 रन पर। ईशा में अभी तक केवल मात्र एक रन रिलावा साइड वापसी करता हुआ। धीरे धीरे विकेट का विकेट लेना होगा रिलावा को अगर इस मैच में बने रहना है तो। विक्रम फिर से सामना करेंगे, ये बॉल किशन की विक्रम के लिए। बहुत बड़ी मिथली थी भाई साहब, फील्डिंग कराने वाले खिलाड़ी है और चलो दो रन मिले, क्या कर रहे हो भाई साहब, इतनी बड़ी मछली को ऐसे नहीं छोड़ सकते, काट काट कर खाना चाहिए था ऐसी मछली को, लेकिन नहीं खा पाए सापरिया की ये फील्डर। स्कोर 40 रन। फिर से ये बॉल अच्छी बॉल लेकिन उसको फिर से बाढ़ के ऊपर से गया, चार रन होंगे निश्चित रूप से। स्कोर 4 के साथ 44 रन। फील्डर को पकड़ा गया है सापरिया के द्वारा, न्यू फील्डर सीएम आए हैं जो जबरदस्त फील्डिंग करते हैं, फील्डिंग बहुत बढ़िया करते हैं लेकिन कैच छूट जाते हैं कभी कभी, पता नहीं क्या हो जाता है खिलाड़ियों को। किशन केबल वाइड के साथ इशारा होगा वाइड, स्कोर पहुंचा 45 रन। 30 ओवर के चलते हुए हंडे खड़ा बिना किसी नुकसान पर मनसी सरोल नन तो उसको वाले दोनों टीम। मलसी सर उन्होंने दोनों टॉस्ट को वाले भी अगला मैच होगा, सेकंड राउंड का मैच होगा उनका। एक और चौका, स्कोर 4 के साथ पहुंचा 50 फुट की गोल हो चुके हैं हंडी खड़ा की। रवि ने घोषणा किया कि मेरी टीम जीतने के बाद भी शायद इस मैच में ना खेले आगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि गांव में नाम रहे। रवि सन्यास नहीं लेंगे, मौका और मिलेगा अगले टूर्नामेंट में। रवि बहुत बढ़िया कप्तान है, अपनी टीम को समझाते हुए कि हम और मैच ना खेले क्योंकि हमें बाहर की टीम को इनाम देना है। फिर से हमें खबर मिली है, हम बाद में बताएंगे वही आपको। फिर से एक बार पहन के विक्रम के लिए अच्छी बॉल है, इसमें स्पाइक डॉट बॉल होगी। अगर रवि स्नेस लेते हैं तो रामलोकन कहते हैं कि मैं एक दो महीने के लिए बाहर चला जाऊंगा, मेरा मन नहीं लगेगा क्योंकि ग्राउंड में रवि मात्र ऐसे खिलाड़ी जो शाम को आते हैं खेलने के लिए ज्यादातर। एक फिर से पहन के बॉल विक्रम के लिए, खाने कड़ा सीन डाला के बीच मार निकाला चलता है, बहुत बड़ा शॉट करा है, पता नहीं चला ऐसा शॉट कैसे करते हैं। स्कोर 4 के साथ 54 रन। ये ताराचंद के शिष्य हैं सभी, बहुत बढ़िया उनको शिक्षा देते हैं खेलने के लिए, हर रोज उनको प्रैक्टिस करवाते हैं। कल ताराचंद आएंगे हाँ सापरे के हर टूर्नामेंट में ताराचंद अपनी टीम लेके पहुंचते हैं। सिरसा जिला में जितने भी टूर्नामेंट होते हैं उसमें बेस्ट बल्ले भेज देते हैं ताराचंद, सिरसा जिले की हर टूर्नामेंट में उनका योगदान रहता है, हर टूर्नामेंट में अपना मैन ऑफ द सीरीज बल्लेबाज को बेस्ट भेज देते हैं। कल ताराचंद आना चाहिए भैया क्योंकि उनको सम्मानित किया जाएगा क्योंकि उन्होंने भी मैन ऑफ द सीरीज का बेस्ट ऑफ रखा गया है। हम चाहेंगे कि सभी टीमें अच्छा खेले और बढ़िया खेले और जीते फाइनल में पहुंचे। अच्छी बॉल नहीं समझ पाई, डॉट बॉल होगी और समाप्त। चार ओवर की समाप्ति का स्कोर है 55। ये दो ओवर स्लो ओवर गए हैं काफी, हिंदावा वाले के 70 तक हम छोड़ने वालों में से नहीं है। एक सीजन और मिली है, अगर अभी सन्यास लेते हैं तो भट्ट कहते हैं कि मुझे ऊपर आने का मौका मिलेगा बल्लेबाजी में, ये तो आने वाला समय बताएगा। रवि अभी सन्यास के लायक नहीं है क्योंकि अच्छी बॉलिंग करते हैं अपनी टीम के लिए।
दोनों मिलेंगे, दोनों बल्लेबाजों को स्कोर दो के साथ पहुंचा। स्टावन, मैं समझ चाहता हूं भाई साहब किसी को टेस्ट पहुंचे हमारी कमेंट्री के लिए, तो मजाक चलता रहता है, गुस्सा मत करना कोई भी खिलाड़ी। अब राहुल सामना करेंगे, फिर विक्रम सामना करेंगे। विक्रम के लिए बॉल, एम्पायर को क्रॉस किया, जैसा शॉट हुआ उस पर मिड विकेट के लिए निशान इसी क्रम से पास हो सकता है, फिर नीचे मौजूद है जहां का क्रॉस। इतनी जीवनदार तो सुरम गिल को भी मिले थे न्यूजीलैंड, क्या बोलों की आग लगा दी थी, छक्के में छक्के जा रहे थे, वही काम राहुल करते हुए रन दावा के खिलाड़ियों का, और किसी भी बल्लेबाज के रन नहीं है, केवल राहुल विक्रम के रन है। आराम से पानी पहुंचाई जाएगी एक बार, ये बॉल विक्रम के लिए, दूसरा रन लेना चाहेंगे दोनों बल्लेबाजों पर, दो के साथ स्कोर पहुंचा 21 रन। विक्रम के लिए बॉल, उसको खोला कवर के ऊपर से निश्चित रूप से चलाए अच्छे हुए, जी भाई का सारा छह स्कोर छह के साथ सर से प्रधान ने खेला के खिलाड़ी का दौरा उठा चाकन करते हुए कार्यों के साथ ड्रेसिंग रूम में। बहुत बढ़िया विक्रम, एकमात्र ऋषभ बल्लेबाज जिन्होंने अपना स्कोर 50 भी पूरी कर लिया, 50 पूरी हो चुकी है विक्रम की। ये बॉल विक्रम के लिए, चार होंगे स्कोर 71 रन। बॉल का खर्चा हो चुका है विक्रम के काउंट में, पीस काफी जाएगी, आपको जुर्माना लगाएगी क्योंकि आपकी काफी ज्यादा बढ़ता हो चुकी है। एक बार फिर से विक्रम के लिए अगले बॉल, लेकिन उसका फायदा नहीं कर रहा है, मिसफील्डिंग की वजह से, विकेट कीपिंग की वजह से शायद निश्चित रूप से दो रन आराम से लेंगे। वह क्या फील्डिंग है सीम के द्वारा, तीन रन दो रन लेना चाहेंगे, और बड़े फायदा क्या हुआ भाई साहब सीम का, चार रन दे दिया आपने, चार के साथ स्कोर 75 रन, 76 रन क्या सकता है, पांच ओवरों में हिंदाला को पांच ओवर में 76 रन क्या सकता है, जीत के लिए बाल को रही है के केवल है एक फेंक दे इन अंपायर कन किने गई ये अपना बैट किने रही बैट ले रहा आ बाल ली एक तो बोरियो एक बोरियो हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स ब्लॉग लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें, हर टीम हमारे भी टारगेट पूरा होने वाला है 1000 सब्सक्राइब का। बाल हो गए भी बाल पट हेलो अरे मैं कहूँ एक बाल इन जरिए इन्हें जाफड़ा भैया के निकाल दिया गया है। पांच ओवर में रिंदावा के सामने रिंदावा की तरफ से अपने बल्लेबाज ने अरे पाटरी है पवन और दिनेश पवन ये नौ स्ट्राइक पर दिनेश पवन स्ट्राइक पर है स्ट्राइक पर जाफड़ा बड़े गए कूट का मां अब वो बर्तो आई नहीं हो अरे मैं बर्तो ले कट गया एक पन्ना और रेडी है बाउर लिया भाई ये बाल दी एक सिलेक्ट कर ले लिया दी एक बाल नींद दे फिर कुंसी लखम हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स ब्लॉग लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे भी 1000 सब्सक्राइब होने वाले हैं आपके आशीर्वाद आपके प्यार से हमारे भी चैनल लाइव कौन देखा पहला पांच आठ 76 रन बनाने होंगे रिंदावा को जीत के लिए
ਇਹਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਰੀਵਟ विक्रम अपने कोटे का पहला टीम की तरफ से पहला रन करने के लिए आज के 5 और 76 रन मतलब 30 बॉल 76 रन 30 बॉल 76 रन जीत के लिए टारगेट है रन के सामने विक्रम ने 50 रन भी 50 लगाई थी अपनी टीम के लिए 69 रन बनाए थे अपनी टीम के लिए 76 में से 75 में से 69 रन एक विक्रम के थे बाएं हाथ के बल्लेबाज पवन सामना करेंगे विक्रम का चले बाल भट्ट को क्रॉस किया ये बॉल और स्टंप से काफी बाहर जी हाँ वाइड बॉल होगी वाइड की काफी देर बाद देते हमारे पैर भर्त खाता खुला वाइड के साथ हिंदावा का नानवाना मलसी सर अगला मैच कह रहे हैं नानवाना मलसी सर के पीछे हुआ हाँ डबल वाइड हो चुकी है जीत के लिए 76 रन और चाहिए बची हुई 30 बॉलों में विक्रम की दो लगातार नाना वाला बॉलिंग करेगी टॉस जीतने के बाद ये बोस्टन पर अच्छी बॉल थी इस बार वाइड नहीं देंगे भारत बहुत ही हमारी खासी बॉल है पवन वाइड मांगे थे काफी निराश दिखाई देते हैं पवन कहते हैं कि भाई साहब बहुत ज्यादा उस से काफी बार थी वाइड हम क्या करें भाई साहब अंपायर हमारे से ज्यादा ध्यान रखते हैं हम भावी अंपायर 120 मैच अंपायरिंग कर चुके हैं सापरिया के स्टेडियम में बाहर भी अंपायरिंग करने जाते हैं अपनी सेवा देते हैं सभी स्टेडियम पर ये बॉल अच्छे बॉल उसके लिए शॉट की तरफ बड़ा अच्छा रन इसी दूसरे नहीं होंगे जी पंद्रह आ गए हैं दो रन दौड़ना चाहेंगे दोनों बल्लेबाज दो के साथ स्कोर पहुंचा रन अरुण ले ली तेरी कदी ले ली पावर पर से सामना करेंगे विक्रम का ये बार विक्रम की अच्छी बॉल है इसलिए लगा सूट के छतरी बोल गई देने एक मिलेगा हाँ एक के साथ स्कोर पहुंचा 5 रन रंधावा का पहली बार सामना करेंगे दिनेश आज भट्ट काफी आज खुश दिखाई दे रहे क्योंकि उनका दोस्त दिनेश नहीं आया स्टेडियम में अभी तक पहली बार सामना करेंगे दिनेश चलिए ये बॉल दिनेश के लिए विक्रम की लास्ट नंबर बॉल थी उसको दिखाई दिया मिड विकेट लॉन्ग ऑन के बीच में एक मिलेगा दूसरा रन लेना चाहते दौड़ पड़े दोनों बल्लेबाज स्कोर 7 रन रंधावा का पहले ओवर के चलते हुए अभी भी 69 रनों की ओर आ सकता है रंधावा तो इसके बाद 4 ओवर होंगे चले ये बॉल अच्छी बॉल इसको कवर के क्षेत्र में खेला एक रन मिलेगा स्कोर 8 रन 68 रनों की आवश्यकता है इसके बाद 4 ओवर होंगे अभी तक खामोशी से बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले का फायदा नहीं उठा पा रहे रंधावा के खिलाड़ी कम से कम एक लंबा हिट लगाना होगा एक बाउंड्री की आवश्यकता इस ओवर में साइड चेंज कर ली गई है विक्रम के द्वारा ये बॉल जी अच्छी बॉल है किशन से काफी बार वाइड बॉल होगी स्कोर वाइड के साथ 9 रन पहुंचा एक छक्का लगाते हैं तो 15 रन आएंगे 15 पा 75 लगभग 15 रन बनाने होंगे हर ओवर में रंधावा को अगर मैच जीतना है तो फिर से ये बॉल जी अच्छी बॉल उसका लॉन्ग मिड ऑफ के क्षेत्र में खेला बिल्डर मौजूद है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में एक रन मिलेगा दूसरा तोड़ पड़े दो रन पूरे किए स्कोर 11 रन एक और किस मौके पर रंधावा का स्कोर 11 रन है
और जीत के लिए 24 बॉलों में 65 रन चाहिए, 24 बॉल 65 रन, लगभग 17 रन बनाने होंगे आर ओवर में। रमन आया है अपनी बॉडी का पहला, टीम का दूसरा, पावर प्ले का लास्ट ओवर, कम से कम 20 रन बनाने होंगे इस ओवर में, तब जाकर औसत रहेगी 15 की, कम से कम 20 रन बनाने होंगे इस ओवर में पावर प्ले में। ये बॉल दिनेश के लिए, हाँ तो पहली बॉल पर अपने हाथ खोलना चाहे लेकिन विक्रम हीरो सच कैच होगा, जी हाँ विक्रम कैच नहीं करते भैया, बहुत बार देखा होगा, पहला विकेट गिरता हुआ रंधावा का, शॉर्ट बॉल डाली थी, रूम दिया था उठाने को, नहीं उठा पाए, न्यू बल्ले आ जाएंगे स्ट्राइक को भाषा पर, नियम आप जानते हैं क्रिकेट खेलते हैं, बल्लेबाज ने किशन जिन्होंने अपना अच्छी कोटे का आउट डाला था, आप किशन सामना करेंगे। रमन ने अपनी पहली बॉल पर विकेट निकाला, शॉर्ट बॉल डाली थी लेकिन अच्छे से खेल नहीं पाए दिनेश, आप किशन किशन को कुछ करना होगा नहीं तो यह मैच हाथ से निकलता हुआ, फिर से शॉर्ट बॉल बहुत ऊंची बॉल थी, वाइड बॉल होगी वाइड, और एक एक्स्ट्रा खेल में दो रन मिले, दो के साथ स्कोर पहुंचा 13 रन। अब पवन के पास स्ट्राइक आ चुके हैं, पावर प्ले का लास्ट ओवर है, 25 लोग पांच बॉल होगी, फायदा उठाना चाहेंगे पवन, लगभग 2-3 छक्के लगाना चाहेंगे इस ओवर में। पवन सामना करेंगे रमन, रमन की बॉल पवन के लिए, अच्छी बॉल बोल्ड का किया, मतलब ये मैच की हाथ से निकलता हुआ, अगर ऐसी आउट होते गए तो शायद दो विकेट गिरते हुए, अपने पहली ओवर में दो विकेट निकाल लिया रमन ने, हैट्रिक चांस है रमन का, हैट्रिक चांस है क्या, ये टूर्नामेंट की दूसरी हैट्रिक होगी, पहली हैट्रिक लगा चुके हैं, सॉरी तीसरी हैट्रिक हो सकती है, टूर्नामेंट की दो हैट्रिक लग चुकी है इस ग्राउंड पर, अच्छे बॉलरों को मदद भी मिलती है और अच्छे बल्लेबाज को इस पिच पर खेलने का मजा भी आता है। बल्लेबाज ने हनी आए अगले बल्लेबाज रंधावा की तरफ से, हनी ये बॉल हनी के लिए, शॉर्ट बॉल है किंग का, भी बार नो बॉल पर आ चुकी है, बैर का इशारा, नो बॉल फिर हिट होगी, फिर हिट फायदा उठा पाएंगे क्या, हनी हनी को उठाना होगा, हनी के लिए हनी को विश्वास नहीं हुआ कि माउट हो गया, लेकिन हमने बता दिया नौ वाला फ्री थी ये, अगर नौ वाला होती तो हैट्रिक थी ये, लेकिन हैट्रिक होते होते बच गई। दोस्त रमन फिर से चले, ये बॉल रमन की हनी के लिए, जी उसको खेला है स्लिप के क्षेत्र में, रन एक मिलेगा, रनआउट का खतरा है, जी नहीं कर पाई विकेट कीपर रनआउट, किशन बचे बाल बाल, एक के साथ स्कोर पहुंचा 15 रन, दूसरे ओवर के चलते हुए कम से कम 15 रन और बनाने होंगे इस ओवर में, तब जाकर आप 15 के औसत से रन बना पाओगे। ये बॉल डॉट बॉल, किशन कुछ नहीं कर पाए, नंबर 23 देखते रह गए सिर्फ एक बार, फिर से ये बॉल अच्छा शॉट खेला है, मिड ऑफ के ऊपर से खेला है, फील्डर मौजूद नहीं है, तब तक फील्ड कर रहेंगे, तब तक शॉट दूसरा रन लेना चाहेंगे, दो के साथ स्कोर पहुंचा 17 रन, जीत के लिए भी 59 रनों की आवश्यकता है, 59 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए, 18 बॉलों में मतलब हार और में बनाने होंगे आपको, के है बाजी बारह हो भरत पांच फील्ड बारह सिंधिया हैंडीकैप आप और पूरा भी था बड़े बड़े वो पिंटू बंटू आ साइड भाई राइट में आ
विक्रम अपने कोटे का दूसरा और टीम का ये तीसरा और अपना भी फाइनल ओवर लेकर आ चुके हैं विक्रम। हांडेगढ़ काफी मजबूत दिखाई देता हुआ अभी तक इस मैच में। चले विक्रम की ये बॉल फुलकास बॉल थी, उसको खेला मिडिल लॉन्ग ऑन के पीछे फिल्डर मौजूद है, फील्ड करेंगे तब तक एक मिलेगा। स्कोर 18 रन एक के साथ 58 रन चाहिए बची हुई 17 बॉलों में, 17 बॉल 58 रन गंडारा को जीत के लिए चाहिए। ओ दोस्त है थोड़ी नहीं याद सत्रह बॉल 57 रन या 58 चाहिए अभी भी सबका भी ज्यादा स्कोर है। मिडविड के चित्र में बॉल गई उसको अच्छे से खेल नहीं पाए, दूसरा रन बॉल बड़े बॉल के साथ स्कोर पहुंचा। मैच का ऑब्जेक्शन कर दिया गया विक्रम, आप पर ऑब्जेक्शन है एज का, अपनी एज दिखा सकते हैं आप। मैच आपको जीत दी जाएगी अगर आपका डॉक्यूमेंट सही हो तो आपको जीत दे दी जाएगी हांडेगढ़ की तरफ से। नवीन यादव एंट्री आपकी ऑब्जेक्शन की साइड है क्या आपके पास? रवि यादव Hello